एक्ट्रेस आलिया भट्ट मां बनने वाली है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी थी। इस खबर के आते ही सोशल मीडिया से लेकर हर जगह चट शादी पट बच्चा वाली बात शेयर होने लगी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कोई जल्दबाजी नहीं है, कपल इसके लिए पहले से ही तैयार था। रणवीर शुरू से ही शादी के बाद अपनी फैमिली शुरू करना चाहते थे। अभी रणवीर और आलिया 3 साल पहले शादी के बंधन में बंधने वाले थे। दोनों को 2 बार अपनी शादी के प्लान को आगे टालना पड़ा था। कपल ने एक बार कोरोना महामारी तो दूसरी बार ऋषि कपूर की खराब तबीयत के कारण अपने प्लान को आगे बढ़ाया था। रणवीर हमेशा से ही अपनी शादी के तुरंत बाद से फैमिली बढ़ाना चाहते थे, इसलिए यह कोई नया और सरप्राइजिंग नहीं लगा। हालांकि आलिया ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के मेकर्स को इस बात का भरोसा दिलाया है कि इस प्रेगनेंसी का उनके काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रणवीर आलिया की प्रेगनेंसी ऋषि और नीतू से भी मिलती है। दोनों ने जनवरी 1980 में शादी की और इसी साल सितंबर में उनकी बेटी रिधिमा कपूर साहनी का जन्म हुआ था। आलिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर की थी। आलिया ने हॉस्पिटल की फोटो शेयर कर लिखा, हमारा बेबी जल्द आ रहा है। फोटो में वे अल्ट्रासाउंड करवा रही है जिसमें पति रणवीर भी उनके साथ नजर आ रहे थे। फिलहाल कपल लंदन में है। रणवीर कपूर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में लव रंजन की अनटाइटल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, इसमें वे श्रद्धा कपूर के साथ नजर आएंगे। वे अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 का भी हिस्सा है। इस फिल्म में आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और मौनी रॉय भी लीड रोल में है। फिल्म 9 सितंबर 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में रणवीर आलिया पहली बार एक साथ बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।